स्वागत है आपका हमारे जयपुर व्लॉग में। अगर आप प्लान कर रहे हैं जयपुर घूमने का और आपके पास दो दिन है, तो हम आपको बताएंगे कि आप इन दो दिन को किस तरीके से स्पेंड करें, जिसमें शहर के सबसे आइकॉनिक महल, किले और हेरिटेज स्पॉट्स शामिल हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, बल्कि आपको इन प्लेसेस की हिस्ट्री, उनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और यहाँ के रिच कल्चर से भी रूबरू कराएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस रॉयल शहर के एक शानदार सफर पर, जहाँ आपको मिलेगा जयपुर का हर रंग, उसका इतिहास और रियासती शान की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं पिंक सिटी जयपुर की ये दिलचस्प यात्रा। जूम करके देखो, वहाँ कोई तो है। नमस्ते एवरीवन। तो हमने जयपुर ट्रिप की शुरुआत की चांदपुल से। तो ये बताओ, चांदपुल का मतलब क्या है रोहित? चांद का दरवाजा। okay. इसका मतलब होता है, ये मतलब शांति का प्रतीक है। बट अगर आप मार्केट देखोगे तो बहुत ज्यादा हलचल है यहाँ पे। हाँ, तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट है मतलब नाम, वो क्या डायलॉग है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। नाम का बिल्कुल विपरीत है। हाँ, यहाँ पे लोकल मार्केट है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और लड़कियां क्या करती है? शॉपिंग। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। सुबह सुबह पेट में कूद रहे चूहों को शांत करने के लिए गूगल बाबा की मदद से हम पहुंचे LMB। समोसा, कचौरी और चाय पीकर हम निकल पड़े हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। जयपुर घूमने के दौरान अगर आप एक ऑटो रिक्शा लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका ड्राइवर आपको जिस जगह जाने के लिए रिकमेंड कर रहा है या आपका गाइड कह रहा है आप इस जगह पे ज़रूर विजिट करें, तो इसमें उनका एक बहुत अच्छा कमीशन पहले से सेट होता है। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड भी बोला जाता है। आपको मैं बता दूँ कि इस पैलेस की कोई डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि इसे पार्ट ऑफ सिटी पैलेस बनाया गया था। और क्या आप ये जानते हैं कि बिना फाउंडेशन की वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है हवा महल। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर का अपना एक नाम है। रेडी हो गए? भाई ने कपड़े पहनाए सारे। हम रेडी है राजस्थानी आउटफिट में। तो सही है, मतलब अगर रास्ते में कहीं आपको तेल वेल भरना हो गाड़ी में तो ये निकालो फनल, बाइक में लगाओ और भर लो। हवा महल में एंटर करने के लिए हमने 52 रुपीज पर पर्सन पे किया। हवा महल इंडिया की मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस में से एक है। इस पैलेस को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। ये पूरा स्ट्रक्चर रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है, जिसे लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। यहाँ पे टोटल 953 खिड़कियाँ हैं। और आपको पता है क्यों बनाई गई थी ये पहले? क्यों बनाई गई थी? पहले जो महारानियाँ होती थी और जो औरतें होती थी जो महल में रहती थी ना, वो बाहर तांग झांक करने के लिए, देखने के लिए इन खिड़कियों से देखती थी। अच्छा। और वो किसी की नज़र में नहीं आती थी। एंड हवा महल भी इसको इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यहाँ से हवा भी पास हो जाती है और ठंडी हवा आती है गर्मी के टाइम पर।
है ना इंटरेस्टिंग। हवा महल को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो रॉयल राजपूत लेडीज पहले जिनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, चेहरा दिखाना अलाउड नहीं था, तो वो यहाँ रह के बाहर सिटी को देख सकती थी अपना चेहरा दिखाए बिना। ना खिड़कियाँ ना कुछ तो बहुत छोटी हैं, बाहर वालों को दिखेगा ही नहीं कि कौन देख रहा है। मतलब मस्त आइडिया था ये जो भी बनाने का था ना। हाँ तो बहुत चालाक, बहुत विचार चालाक है, राइट। और रोहित देखते हैं खिड़की से क्या दिखता है, पर ये तो बंद पोपट हो गया। ये देखो कौन सी गुली है। ओ वाओ क्या दिख रहा है, वही नजारे जो रानियां लेती थी वो नजारे दिख रहे हैं मुझे। यस क्या बात है। मुस्कान देखो बहुत सारी खिड़कियां हैं यहां। यस पता है यहाँ स्टेयर्स क्यों नहीं है? हाँ। ताकि यहाँ से अच्छे से पालकी में ले जाया जा सके रानियों को, इसलिए। अच्छा। ये तो ये है सबसे ऊंची खिड़की हवा महल के टॉप पे, जो खिड़की है वो ये है, वो ये है। तो आप फील कर सकते हो कैसे रानियां देखती थी यहाँ से, राइट। हाँ, बट पहले ये नहीं था। अच्छा, रानी उसकी सेवक, फिर उसकी सेवक, और बस वो नजारे लेती थी यहाँ से, चढ़ के जाती थी। ओ, तो यहाँ भी यानी जो रानी की मेन टोली थी ना, मेन हाँ। टीम, वो यहीं बैठती थी। बाकी नीचे, फिर उससे भी नीचे। सही है। तो अभी हम एग्जैक्टली टॉप ऑफ हवा महल आ गए, एंड यहाँ से पूरे जयपुर का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। बट ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत कर रही है यार। वो रास्ता इतना पतला है कि बंदा एक या तो उतर ही सकता है या चढ़ ही सकता है, आपको वेट करना पड़ता है। वो है जंतर मंतर, आई थिंक वो है सिटी पैलेस। जिस गली की हम बात कर रहे थे वो ये है, जो बहुत पतली सी है, तो जब लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाले वेट करेंगे, एंड सेम हो रहा था नीचे से भी। सो ये वो प्लेस है जहां बहुत कम लोग आते हैं, हवा महल के अंदर ही। यहां से हम निकल पाएंगे शायद, ऐसा अंदर आने का रास्ता है तो बाहर जाने का भी होगा। तो ये पार्ट है हवा महल का, बट यहां मंदिर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर बेबी फीडिंग रूम भी है, देखना है। देखना नहीं, नहीं कैंसिल देख, नहीं। अच्छा लाउड नहीं, ओके। रोहित को ये भी एक्सप्लोर कर रहा था। अरे ये कौन निकल गया है। वेलकम